माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री की ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान जनजाति अति पिछड़े क्षेत्रों में जहां पर लोग अभी भी आधार से वंचित हैं वहां पर यह लाभार्थी तक सब्सिडी पहुंचाने के लिए क्या माध्यम है संबंधित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ समय पहले जरूरतमंदों को उर्वरक समय पर नहीं मिलता था जिसके कारण उनको मजबूरन बिचौलियों से तय मूल्य के अधिक पर उर्वरक खरीदना पड़ता था। भ्रष्टाचार के साथ ही एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था पर डाका, लेकिन सरकार ने आधार सक्षम उर्वरक वितरण प्रणाली के जरिए पर काफ़ी हद तक रोक लगाई है, बिचौलियों की भूमिका समाप्त की। रसोई गैस इसका सबसे सफल उदाहरण है। इसका एकमात्र उद्देश्य आम लोगों तक, गरीबों तक कल्याण योजना का लाभ पहुंचाना है। इससे कोई छिपी हुई मंशा नहीं है। लाभार्थियों की संख्या लाखों में होने के कारण दो मुख्य चुनौतियां हमारे सामने हैं। दोहरा लचावे चलावे को हटाना है। लाभार्थी तक बिना किसी परेशानी के हस्तांतरण को पहुंचाना। देश में आधार के सिवा कोई पहचान प्रणाली नहीं है जो विशिष्टता को सुनिश्चित कर सके, इन चुनौतियों को समाधान कर सके। प्रणाली एकमात्र पहचान आधार है। मेरा सदन के माध्यम से माननीय रसायन उर्वरक मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान जनजाति अति पिछड़े क्षेत्रों में जहां पर लोग अभी भी आधार से वंचित हैं, जहां पर लाभार्थियों को सब्सिडी पहुंचाने के लिए क्या माध्यम है। धन्यवाद।